यो, मेरा नाम है शुभम जैन। आज की इस वीडियो में अपने लास्ट वीडियो देखी होगी, आज तो इसका ओनरशिप एक्सपीरियंस है। तो भाई जो जैसे मैं पिछली वीडियो में बता रहा था, ये किसकी कार है आप गेस करो। बाकी तो बहुत सारे लोग तो समझ ही चुके होंगे, ये अपने वंश भाई की। भाई इसका इनका चैनल तो हर किसी ने देख ही रखा है, ठीक है। भाई बहुत बढ़िया व्लॉग्स बनाते हैं हर कोई। मैंने अपने डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा है भाई का, जाके लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो भाई का चैनल, ठीक है। भाई को भी जल्दी जल्दी 1,000 सब्सक्राइबर की खुशियां दो हमें भी, ठीक है। आज इस वैगनार है भाई के पास। भाई के पास वैसे तो बहुत कार है, जैसे इनोवा, बलिनो। भाई ने अभी हाल ही में इनोवा और अपनी बलिनो दोनों ही बेच दी। अब भाई का प्लान है आगे इनोवा हाई क्रॉस लेने का। भाई फॉर्चुनर देख के आए थे, चलो उसकी भी बात करते हैं अभी गाड़ी में बैठ के ही, ठीक है। और भाई को ये मत बोलना कि भाई के पास तो वैगनार है ये सब, भाई ऐसे ही नहीं है। अभी मैं अंदर बताता हूँ भाई क्या करते हैं। भाई थोड़ा अपना पहले इंट्रोडक्शन ही दे दो पब्लिक को कि आप क्या करते हो। और मेरा नाम है देखो वंश पुराना, और जैसे भाई अपना चैनल चला रहा है वैसे ही छोटा मोटा चैनल मैं भी चलाता हूँ अपना ब्लॉगिंग का। और भाई साथ के साथ स्टडी करता हूँ और थोड़ा बिजनेस में भी इन्वॉल्व हूँ मैं, थोड़ा बहुत, ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़ा बहुत इन्वॉल्व हूँ। और बस भाई वंश पुराना अपना नाम, और बाकी आप चैनल देख लेना मेरा, सारा मतलब पता लग जाएगा क्या से हूँ मैं, क्या क्या है सब पता लग जाएगा। भाई थोड़ा ना सॉरी मैं भाई को बीच में काट रहा हूँ, एक तो ना भाई थोड़ा मुझे माफ़ करना, ये हम रोड पे आए हुए हैं तो थोड़ा आज शोर बहुत ज़्यादा है। चलो अब अंदर बैठ के भी बात करते हैं, ठीक है भाई, थोड़े मच्छर बहुत हैं, ठीक है। सबसे पहला भाई मेरे पास आपसे यही क्वेश्चन है कि ये आपने वैगनार क्यों ली, मतलब आपका जैसे यार जोशीला खून है इतना, हम जवान है भाई, कौन बंदा वैगनार, तो यार आप खुद ही समझ सकते हो। चलो अब बताओ वैगनार क्यों ली। वैगनार ली थी भाई लोकल में चलाने के लिए। देखो फर्स्ट मेरा जो मेरा बेसिक रीज़न था वो ये था कि मैंने अपनी फैक्ट्री में लेबर को देनी थी चलाने के लिए, ऑनेस्टली बोलूँ तो। लेकिन भाई सीन ऐसा बैठा कि एकदम नई गाड़ी लेबर को दे नहीं सकते, तो हमने सोचा था पहले 15 दिन खुद रखते, खुद चलाते, थोड़ा नया एक्सपीरियंस होता है इसका भी। CNG की गाड़ी भाई पहली थी हमारी, CNG के पेट्रोल की भी ये पहली गाड़ी थी हमारे पास। हमारी सारी गाड़ी डीजल की है, जो मेरी बेलिनो थी वो भी डीजल की थी जो मैंने सेल कर दी है, और अपनी इनोवा भी डीजल की थी और एसक्रॉस भी डीजल की है। और भाई पहले भी मतलब मेरे पास्ट का आप देखोगे तो वो सारी गाड़ी भी मेरी डीजल की थी, हमने कभी भी पेट्रोल की नहीं ली क्योंकि भाई हमारी रनिंग बहुत ज़्यादा थी। मैं अभी भाई को ही बता रहा था, शुभम भाई को, कि मैंने जो अपनी इनोवा सेल करी है ना भाई, वो मैंने कम से कम मेरे ख्याल से 8 महीने रखी थी, और 8 महीने में भाई हमने 15,000 चलाई थी पूरी। लोगों की कितने साल तक नहीं होती 15,000, मतलब जिसको बताओ ना वो ऐसे हैरान होता है कि भाई 15,000। और वो तो चलो मेरे ब्लॉग में भी मैंने पूरा मीटर दिखाया था कि भाई ये देखो 15,000 चली है। तो बस भाई हमने लेबर को देने के लिए रखी थी, बट ऐसा कुछ सीन बना कि भाई मेरे को अपनी बेलिनो बेचनी पड़ी, उसका भी अलग ही रीज़न था, वो आपको मेरे चैनल पर दिख जाएगी वीडियो, उसके भी सब्सक्राइब कर लेना या देख लेना पहले, अगर अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, बाकी कोई ऐसी बात नहीं है। और बस फिर हमने ये देखी, और फिर हमें भाई एक घर के लिए तो गाड़ी चाहिए थी, अब बेलिनो चली जाती तो फिर हम अधूरे पड़ जाते हैं, क्योंकि भाई आज के टाइम में हर कोई गाड़ी के बिना अधूरा है, गाड़ी के हर चीज़ के बिना कोई भी आज की डेट में पैदल चलने के लिए नहीं है भाई, सबको कुछ ना कुछ चाहिए, चाहे वो स्कूटी हो, चाहे वो साइकिल हो, चाहे वो बाइक हो, चाहे वो गाड़ी हो, हर कोई कोई अब आज के ज़माने में ना अब जैसे पैदल नहीं जाता, बहुत कम लोग देखे होंगे जो आप ऐसे साइकिल पे चलते हुए देखोगे, लेकिन भाई गाड़ी सबको चाहिए होती है, तो भाई गाड़ी चाहिए ही थी, इस करके हमने इसको थोड़ा टाइम रखा। लेकिन भाई अब जैसी मेरी कार कलेक्शन में नई गाड़ी जुड़ेगी तो इसको मैं अपना फैक्ट्री भिजवा दूंगा, अपनी भाई फैक्ट्री है तो बस वहाँ पर भिजवा दूंगा, लेबर को दे देंगे। और बस भाई तो मैं ना थोड़ा बता देता हूँ भाई, ना यार हमारी तरह मिडिल क्लास नहीं है भाई, थोड़ी मोटी पार्टी है मतलब अरे मिडिल क्लास ही है भाई। मैं थोड़ा बता देता हूँ, भाई की ना फैक्ट्री है तो भाई को ना कार मतलब बड़ी जल्दी जल्दी चेंज कर लेते हैं, जैसे भाई के पास पहले बलिनो थी फिर इनोवा, अब खुद सोचो भाई इनोवा 8 महीने में, इनोवा ऐसी लोहलट गाड़ी कहते हैं लोग कि उसको जब तक उसकी लाइफ नहीं है ना उससे ज़्यादा तो वो चल जाती है, तब भी भाई ने क्या कहते हैं उसको बेच दी 8 महीने के अंदर अंदर। अब मैं भाई से यही पूछना चाहूँगा, आप हाँ पहले आप बोलो भाई। सॉरी भाई मैं यही कहूँगा कि अगर आपके पास इनोवा है ना तो भाई उस जैसी गाड़ी कोई टोयोटा की क्या किसी की भी नहीं है, चाहे वो महिंद्रा ले लो, चाहे वो टाटा ले लो, चाहे वो मारुति ले लो, XYZ कोई भी कंपनी ले लो,
इनोवा जैसी कोई भी गाड़ी नहीं है, चाहे वो स्पेस में कह लो किसी मर्जी में कह लो, एवरेज एक अलग मैटर करती है, एवरेज उसकी कुछ नहीं थी देखो। और वो भाई सबको पता होती है लंबी गाड़ी है चौड़ी गाड़ी है एवरेज उसकी कुछ नहीं होगी। लेकिन भाई बस अपना भी एक रीजन था बेचने का, बेचनी तो नहीं थी, और भाई बेचनी होती तो मैं टॉप मॉडल ना लेता शायद उसका। मेरी इनोवा का टॉप मॉडल था, ऊपर से मैंने नंबर भी VIP लिया होता, फैंसी नंबर था मेरा, और चंडीगढ़ का नंबर लिया था, रहता मैं दिल्ली में हूँ, चंडीगढ़ का स्पेशल नंबर लिया था भाई मैंने अपना, मेरे ख्याल CH01CK3434 था, पूरा फैंसी नंबर था भाई ये मेरा। और बस यार कोई रीजन था अपना भी, कुछ बार बार ऐसा कुछ हो रहा था, तो इसी करके भाई हमने बेची है वो गाड़ी, नहीं तो बेचने का को कोई सीन ही नहीं था। भाई अभी तक ये कार भी कुल ज्यादा नहीं चलाई, ये भी कार भाई ने अभी तक, एक मिनट फोकस करने दो, कुल एक सेकेंड, ये भी भाई ने कुल 1636 चला रखी है, मतलब 1636 किलोमीटर। वही बात है भाई जैसे बता रहे थे कि भाई को फैक्ट्री वालों को ही देनी थी, ठीक है। अब आते भाई हैं भाई अगर खुद रखनी होती मैं टॉप क्यों ना लेता। सही बात है, भाई को तो अपना यार अपने हिसाब से वही जैसे मैंने फीचर का बताया था। तो भाई आप अपना ये बताओ, आपको इस कार के अंदर क्या क्या अच्छा लगता है, मतलब क्या आप ऐसी चीज है कि जिसके कारण आप आज भी दूसरे बंदे को बोलो कि आप ये कार लो। कार भाई सबसे पहले चलाते देखोगे चलाते बात तो, कर लेते भाई। कार भाई सबसे पहले आप ये देखोगे तो मेरी हाइट है भाई 6'2", मतलब मेरे घर में मेरी सबकी हाइट ऐसी लंबी लंबी है। तो पहला तो भाई इसका हेड वाला देखो, छत मतलब बढ़िया, गाड़ी थोड़ी लंबी है, और इस करके भी ये प्रेफर करी हमने गाड़ी कि अगल को अगर हम लेबर को नहीं भी देते हम भी चलाए तो गाड़ी बढ़िया होनी चाहिए। और अपना भाई स्पेस बहुत है इस गाड़ी में, आपने वही बात इसे, मैंने बोली थी कि स्पेस तो यार मैं खुद देख के शौक हो गया था यार, इतना अच्छा स्पेस। हाँ चलो भाई आप बोलो, सॉरी मैं आपको बार बार ही काट रहा कोई हूँ। नहीं कोई नहीं, इससे पहले वाली वीडियो में भी आपने देखा होगा भाई ने बताया था पीछे बैठ के कि स्पेस बहुत ज्यादा, और सच में भाई स्पेस बहुत ज्यादा है इस गाड़ी में, मतलब कि हम आराम से बैठ सकते हैं 6-6 फुट के बंदे पीछे आराम से बैठ सकते हैं, और भाई ने कहा था पतले पतले बैठ सकते हैं लेकिन ऐसा नहीं है, आराम से बैठ सकते हैं हट्टे कट्टे भी, ठीक है जैसे मेरे जैसा हो गया या थोड़ा मोटा भी हो गया बंदा तो भी बैठ सकते हैं आराम से, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया गाड़ी है। और भाई इसकी अगर डिसएडवांटेज पूछते हो तो डिसएडवांटेज भाई मेरे को ये लगी, कंपनी जो वाले होते हैं वो स्टीरियो नहीं देते हैं, वही बात जैसे मैंने बोली थी यार, आप बंदे से 7.5 ले रहे हो यार, अब उससे क्या साढ़े मतलब, सात नहीं भाई 8, साढ़े आठ सात नहीं आठ आठ ले 8 लाख, मतलब मायने रखता है यार 8 लाख वैगनर जैसी कार पे, और वो भी बेस मॉडल। मान लो यार VXI देते आप कुछ तो देते, LXI मॉडल के मैं 8 लाख रुपए यार कहीं पे भी मुझे जस्टिफाइड नहीं लगते। और जिसके अंदर आप पूरी पावर विंडो भी नहीं दे रहे, आधी पावर विंडो दे रहे हो ना ही पीछे वो उसका वो तक दे रहे प्लास्टिक वाला पार्ट, यार वो सब चीज़ें तो देनी चाहिए ना, और ये क्या दे रहे हो, इसकी भाई। जगह तो कुछ था ही नहीं है, तो भाई ने बाहर से लगवाया। हाँ भाई भाई बाहर से नहीं था लेकिन है वो कंपनी का ही है जो हाँ, मतलब आप ये कंपनी का देखो, ही है बट वैसे तो लगवाया बाहर से ही बाहर है। से, हाँ लगवाया बाहर से मैंने, है हाँ कंपनी का स्टीरियो है। हाँ और बस भाई ये स्टीरियो ही मेन, मतलब जो नॉर्मल बंदा होता है जैसे मैं भाई की ना पिछली वीडियो जैसे वो बना रहा था ना, मैं देख रहा था कि यार हमने इतनी गाड़ियां रख ली हमें आज तक इतनी नॉलेज नहीं आई, सच्ची मैं भाई को बोल ही रहा था कि भाई तेरे को इतनी नॉलेज है इस गाड़ी के बारे में, मतलब हर गाड़ी को क्या किस चीज को क्या बोलते हैं, मेरे को इतनी नॉलेज नहीं है, बस ये है कि गाड़ी आती है चलानी, अपना म्यूजिक सिस्टम चला लिया हो गया। और भाई ये आज को म्यूजिक सिस्टम लगा हुआ है, मैं चाहूँ तो अभी भी इसका स्पीकर लगवा लूँ लेकिन भाई मेरे को शौक ही नहीं है गाने सुनने का। मेरी गाड़ी 1636 किलोमीटर चल चुकी है और वो बिना स्टीरियो के चली है, और मेरे को कुछ ऐसा फील ही नहीं होता गाड़ी चलाते वक्त, कुछ मेरे ख्याल ऐसा भी हो गया कि गाड़ी में जाते जाते व्लॉग बना लेता हूँ तो स्टीरियो की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसा भी होता है। सही है भाई, मैं तो ऐसा बंदा हूँ मतलब गानों के बिना अपनी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती मुझसे तो, नहीं भाई वो तो अब हर एक बंदे की अपनी अपनी वो चॉइस होती है। ठीक है और बस यार एक जैसे भाई ने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि एक यहाँ पर मिरर सेट करने वाला चाहिए, क्योंकि भाई मेरे को रोज दिक्कत आती है वो वाला मिरर सेट करने भाई, में। अब वो सिंपल सी बात है, मान लो भाई तो वैसे जैसे क्या कहते हैं मोस्टली इस कार को खुद ही चलाते हैं, ठीक है। अब जैसे अभी तो उन्होंने सारी कार बेक रखी है, ये खुद ही चलाते होंगे इनके फैमिली वाले,
तो भाई को यार कितना इशू आता होगा, मुझ किसी का भी हाइट मतलब इतना दूर कर रखा है, तुमने इतनी अच्छी गाड़ी बना रखी है तो हाथ ही नहीं पहुंचता किसी का। हाँ भाई होता क्या है, मेरी ना जो गाड़ी लगती है ना वो थोड़ी दीवार की साइड लगती है। हाँ। मतलब दीवार से टच नहीं होती, लेकिन भाई अगर मैं दीवार खुली हुई खड़ी करूँ ना गाड़ी, तो जो भी भाई अपना सुबह भैया आते हैं ना गाड़ी साफ करने वाले, वो वाला शीशा बंद कर जाते हैं। मेरे को मेरी तो चलो हाइट लंबी है, मैं करके कर लेता हूँ वो सेट जैसे तैसे, लेकिन भाई कंपनी वालों को बोल रहा हूँ कि भाई देना चाहिए यहाँ पर सेट करने वाला भी, अपना थोड़ा कंफर्ट फील होता है बंदे को, और वो वाला नहीं जो यहाँ पे लगा होता है, वो देना चाहिए जो मोटर वाला होता है, उसमें भी थोड़ा फैसिलिटी मतलब देनी चाहिए कंपनी वालों को। और तो भाई एक रियर वाला जो अपना वो ग्लास है, एक उसका वाइपर देना चाहिए। रियर वाला वाइपर कह रहे हो भाई, और एक रियर डिफॉगर, मतलब यार वो भी होना ही चाहिए। मतलब यार वैसे यार आप साढ़े मतलब भाई मुझे तो अभी ओवर प्राइस लग रही है अभी तक। पहले मुझे था ये 7.5 लाख रुपए की, अभी भाई ने बताया कि ये कुल 8 लाख रुपए की गाड़ी है। साथ बोलती है देखो कंपनी 7.5 लाख बोलती है, आप 50,000 रुपए के तो बंदा यार, ऊपर से ये मैट्स वगैरह एक्सेसरीज तो कोई कुछ ना कुछ दिलवाता ही है। ठीक है ये तो भाई ने वैसे स्टॉक रख रखी है, ठीक है, बट भाई मैं कभी भी अपनी नई गाड़ी में कोई भी एक्सेसरी नहीं डलवाता। ये तो भाई का वैसे हो गया, कोई भी ले लो मेरी आज तक, कोई भी गाड़ी ले लो, मैंने आज तक अपनी गाड़ी में एक्सेसरीज नहीं डलवाई। मतलब भाई को बाहर का काम पसंद ही नहीं है, मतलब घर के अंदर वो वैसे कंपनी फिटेड होना चाहिए। ऐसी बात नहीं है, मैं कंपनी फिटेड भी नहीं करवाता जब मैं गाड़ी लेता हूँ भाई। और मैं आप सबको भी यही बताऊंगा कि मत करवाया करो, जो कंपनी दे रही है, जो चीज कंपनी दे रही है उसका तो मजा लो। बिल्कुल सही बात है, अपने पैसे खर्च लो तो उसका तो फिर यार अननेसेसरी लगते हैं वो पैसे खर्चे हुए, तो उल्टा तुम नई की भी फील लो, फिर जब वो थोड़ी पुरानी हो जाए फिर अपनी गाड़ी को थोड़े और पैसे लगाओ और नई फील लो। बिल्कुल ही सही बात बोली है भाई ने, मतलब बिल्कुल ही सही बात। मेरे को समझ नहीं आता जो लोग लेते ही अपनी गाड़ी पे इतना पैसा फूकते हैं। मतलब देखो यार मैट्स तो जरूरी है, मैट्स समझ में आते हैं, जो ये लोग अपने अपना जो मेन कॉटन वाली कपड़ा होता है ना भाई, वो सीट कवर का वो होता और उसकी जगह लेदर करवा लेते हैं, वो समझ नहीं आता मेरे को। ये भाई फैब्रिक होती है, फैब्रिक फैब्रिक ये अपना कंपनी फिटेड अपना लेदर है। हाँ। मैंने कुछ भी नहीं करवाया इसमें, बस एक्सटीरियर लगवाया था, वो भी एक फ्रेंड ने दे दिया, और वो भी भाई ने कंपनी का ही लगवाया है। हाँ। जैसे लोग तो टच वाला लगा लेते हैं, और मैं बैठ कर सकता हूँ, ये भाई को ज्यादा ही महंगा पड़ा होगा। कितने का पड़ा कुल भाई? ये सच बताऊं तो फ्री में पड़ा मेरे को। अरे वो तो चलो कोई नहीं, चलो जो भी चीज है, बट मैं बेट कर सकता हूँ यार कंपनी की चीज है, कोई सस्ती तो मिलती नहीं, ये बात तो आप सब भी मानते ही हो। जिन्होंने मेरे को दिया है ना ये, उन्होंने ये कंपनी का स्पीकर निकलवा के अपना बाहर से लगवाया आफ्टर मार्केट, ये देख लो। मैं वही बता रहा था भाई ने बिल्कुल ही सही बात बोली है कि जैसे म्यूजिक सिस्टम यार आजकल नेसेसिटी है, आप वो लगा लो, बट थोड़े टाइम बाद आप कुछ नई चीजें करवाते रहो जिससे गाड़ी में अपनापन भी आता रहे और थोड़ा नए वाली फील भी आती रहे। ठीक है बिल्कुल ही सही बात थी। लोग ना लगवाते हैं जैसे आते ही पूरी गाड़ी को खुलवा देते हैं करोल बाग में ले जाके, समझ नहीं आता भाई। तुम खुलवाओ जैसे लाइटें होगी, जैसे मैंने अपनी एस्क्रोस की लाइटें चेंज करवाई थी, हेलोजन बल्ब थे उसमें, मैंने उसकी लाइटें भी भाई 3 साल बाद जाके चेंज करवाई है, 3 साल बाद। वो भी मेरे पापा खुश नहीं होते कि आफ्टर मार्केट काम करवाने से, लेकिन जिद करके मैंने लगवाई थी। उसमें भी फॉग लाइट भी लगवाई, हेडलैम्प भी लगवाई वाइट कलर के मैंने। अपना भाई हाईवे पे जाना होता है दिन रात, कभी गाड़ी चलानी होती है, हमारी रनिंग है देखो ज़्यादा, तो भाई हाईवे पे थोड़ी हाई बीम लाइट चाहिए ही होती है। हाँ वैसे भी मारुति अपनी हेलोजेंस में वीक देता, बट हाँ एलईडी मारुति की काफी अच्छी है, बहुत अच्छी है, मतलब बहुत ही अच्छी है। आप अपनी बलिनो की देख लो, ब्रेजा की देख लो, XL6 की देख लो, इतनी प्यारी एलईडी लाइटें देती है ना, होल्ड नहीं कर सकती कोई और कंपनी। ग्रैंड विटारा आई है उसकी तो और बढ़िया। हाँ ग्रैंड विटारा हो गई, इनकी एलईडी के अंदर मारुति काम अच्छा कर रही है, जो अपने कंपनी फिटेड देती है इनफैक्ट बहुत अच्छी। हाँ क्रेटा में देख लो और सेल्टोस में देख लो, उसकी एलईडी लाइट्स अपनी इन मारुति की एलईडी लाइट्स के अंदर फीकी पड़ जाती है। हाँ भाई आगे बताओ। बस भाई यही था अपना, तो भाई यही था, करवाया करो जैसी गाड़ी लेते हो, पहले नई गाड़ी की मौज लो, अपना कंफर्ट तो देखो, नई गाड़ी में कंपनी ने कैसा दिया हुआ, तुम पहले से बाहर से लगवा लोगे तो तुम कंपनी का क्या देखोगे। ये भी भाई एक्सपीरियंस होता है कि तुमसे कोई पूछे कि नई गाड़ी में आपको क्या क्या मिला था, आप बता ही नहीं पाओगे कंफर्ट क्या था नई गाड़ी में। जब वैसे तो इस कार में कोई फीचर ही नहीं आते, बुरा मत मानना भाई इस बात का, बट मैं खुद बोलता हूँ यार, मैं खुद बोलता हूँ फीचर्स नहीं आते इसमें, लेकिन ठीक है भाई अपना एवरेज बढ़िया देती है और क्या चाहिए लोग। वही जो मैंने बोला था, एक सेकंड, इसकी बिल्ड क्वालिटी के बारे में क्या कहना है? बिल्ड क्वालिटी भाई बहुत,
वही बात मतलब कि आपको जब अब आपको खुद ही चला रहे हो ठीक है, तब आप इतनी हल्की चद्दर गाड़ी की क्यों ली? आप इसकी जगह ग्रैंड आइटन ले लेते, कोई और गाड़ी ले लेते। नहीं यार, लेकिन गाड़ी मेरे को मारुति की पसंद है। वही बात है ना जो मैं कह रहा था, रिलायबिलिटी पसंद नहीं मेरे को। मारुति दिल पे राज करती है स्टार्टिंग से। वो तो अब मैं थोड़ा टोयोटा पे आ गया, लेकिन उसकी टोयोटा मारुति अपनी एक ही है यार अब तो। हाँ, बिल्ड क्वालिटी टोयोटा की ज्यादा अच्छी है, लेकिन वो तो मारुति की भी ठीक है, कोई ऐसी बात नहीं है। हाँ। लेकिन हल्की है। और भाई एक कंपनी वालों से अगर कोई देख रहा कंपनी से, तो एक रिक्वेस्ट ये भी करनी थी, इसका थोड़ा टायर चौड़े कर दो भाई। गाड़ी में स्टेबिलिटी नहीं आती। मैं हाईवे पे क्या, मैं आपको अपना उस पे बता देता हूँ, अगर कट से नहीं काट पाते। जैसे भाई अभी थोड़ा सा ही हम चल रहे थे, मतलब स्पीड थोड़ी अच्छी थी, उसके ऊपर जैसे ना भाई को एक तो बॉडी रोल भी इस कार में अच्छा खासा है, जैसे हर किसी को पता ही है इसका इतना ज़्यादा टॉल बॉय डिज़ाइन है, ठीक है, उस हिसाब से इसके अंदर वो हो रखा है। बट स्टेबिलिटी भी कुछ ऐसा सच खास नहीं है कार की ना, ठीक है। और भाई बस टायर थोड़े चौड़े हो, क्योंकि भाई गाड़ी हल्की सी, अगर मैं छोटे से पुल पे भी चढ़ाऊँ ना, मतलब जैसे समझ लो पीरागढ़ी पुल पे चढ़ा दी मैंने गाड़ी, हल्की सी स्पीड में लगाऊँ तो ना गाड़ी कांपने लग जाती है। मतलब ये ऐसे 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 हिलता है पूरा स्टीयरिंग। हाँ, कांपने लग जाती है गाड़ी। वो यही रीजन हुआ मेरे ख्याल से, जहाँ तक मेरे को इतनी नॉलेज है, कि टायर थोड़े पतले हैं इस करके वो अपना सड़क से जो है चल नहीं पाते, मतलब चिपक के नहीं चल पाते। तो भाई आप किसी और को रिकमेंड करते हो ये वाली कार? भाई जरूर करूँगा, जरूर करूँगा। मतलब क्या रीजन मेरी? भाई ये सोचा अगर मैं फायदा उठा रहा हूँ तो बाकी भाई वैसे मेरा हाँ एक आपसे क्वेश्चन था, सॉरी, क्या कहते हैं, आपने वैगनर की जगह आपने बलिनो तो चलो थी आप पे, शिफ्ट कोई नहीं देखी? शिफ्ट हो गई अपनी, i20 हो गई, नहीं अल्ट्रोज, टाटा वगैरह, क्यों? बहुत सारी भाई छोटी सेगमेंट में गाड़ी थी, बहुत सारी थी, आपको खुद को पता होगा। अपना मारुति वाले हर छह महीने बाद या हर 2 महीने बाद अपनी गाड़ी निकालते ही हैं, बढ़िया बढ़िया छोटी सेगमेंट में, बड़ी सेगमेंट में हर गाड़ी निकालते हैं। लेकिन भाई अपना वैगन आर का अपना ही है, लोग कहते हैं इसको चलाने के बाद स्टैंडर्ड नहीं है, वो बात भाई देखो, या तो स्टैंडर्ड देख लो या तो एवरेज देख लो, बंदा ये दो चीजें ही देखता है। बिल्कुल ही सही बात है भाई, या तो स्टैंडर्ड देख लो अपना, कोई बढ़िया ले लो भाई। बात आपने छोटी कहावत सुनो बताऊंगा, हाथी पालने के लिए भाई उसका चारा भी लेना पड़ता है महंगा। मैंने यहाँ पे तो चारा भी है, मैंने हाथी पाला था, मैं को पता मैंने उसको कैसे खिलाया इनोवा को। चलो ठीक है भाई, धन्यवाद आज के लिए, थैंक्स गाइस फॉर वॉचिंग। ये था भाई का ओनरशिप एक्सपीरियंस, ठीक है। भाई ने से भाई का नेचर बड़ा अच्छा है, एक बात तो होगी, मैं अभी जैसे भाई से बैक कैमरा भी बात कर रहा था, भाई बड़े प्यार से सबसे। होप यू लाइक दिस वीडियो, भाई का भी चैनल सब्सक्राइब करो और मेरा भी चैनल सब्सक्राइब करो।